हेलो एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है बहुत यूजफुल बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच सैनिटरी पैड इज द बेस्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। वेल, पीरियड से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप सजेस्टेड में देख सकते हैं, मैं लिंक पर डाल दूंगी। एक पीरियड नॉर्मल साइकिल 28 डेज की होती है एंड देन हमें पैड्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जब हम पैड्स का सिलेक्शन करते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखते हैं, लाइक वो कितने सेफ हैं, कितने कंफर्टेबल हैं एंड बजट फ्रेंडली कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टैम्पॉन्स। वेस्टर्न कंट्रीज में टैम्पॉन्स बहुत ज़्यादा इन हैं। 70-80% वीमेन वेस्टर्न कंट्रीज की टैम्पॉन्स यूज करती हैं। इंडिया में ये इन हो रहा है बट इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। अगर आपकी एक्टिव लाइफ है, आप जिम जाती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, तो टैम्पॉन इज अ बेस्ट ऑप्शन। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल सैनिटरी पैड्स। एंड टैम्पॉन्स टू कैटेगरीज में अवेलेबल है मार्केट में, एक हैवी फ्लो में और एक नॉर्मल फ्लो में। सेकेंड ऑप्शन है क्लोथ पैड्स। सिंस एजेस इंडियन वुमेन क्लोथ पैड्स यूज करती हैं एंड प्रिफर करती हैं। इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं एंड बजट फ्रेंडली हैं। बट अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप एक्टिव हैं, लाइक आप जिम जाती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, तो ये आपके लिए सेफ एंड बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्लोथ पैड्स आपको 2-3 घंटे में चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये 3 साल तक आराम से चलते हैं। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लोथ पैड्स पीरियड्स के टाइम में यूज़ करना हाइजीनिक नहीं होते हैं। बट अगर आप इन्हें प्रॉपर स्टरलाइज करेंगे तो ये आपके पास सेफ ऑप्शन हो सकता है। इसको आप धोने के बाद धूप में दिखाइए, धूप अच्छे से लगने के बाद आप इसको यूज़ करिए तो आपके पैड्स स्टरलाइज्ड हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन होता है बायोडिग्रेडेबल पैड्स। ये बहुत सेफर ऑप्शन होता है क्योंकि ये बनते हैं नेचुरल फाइबर से। इसमें कोई टॉक्सिन नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं यूज होता है, ये पैराबिन फ्री होता है एंड ये बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ करने में। लेकिन अदर सैनिटरी पैड की कॉस्ट के कंपेयर में ये क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज मेंस्ट्रुअल कप। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये एक कप शेप में होता है। जब आप इसे यूज़ करते हो तो 8-10 घंटे तक आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये कप फुल हो जाता है देन आप इसको रिमूव करते हैं, क्लीन करते हैं एंड देन अगेन यूज़ में ये आ जाता है। इसकी जो लाइफ होती है वो 5-7 ईयर्स की होती है एंड ये कलरलेस एंड कलरफुल ऑप्शन में अवेलेबल है एंड कलरलेस इज़ अ बेटर ऑप्शन। मेंस्ट्रुअल कप आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर स्टरलाइज करिए। 15-20 मिनट तक इसे बॉइलिंग वाटर में अच्छे से बॉयल करिए एंड देन यूज़ करिए। ये 3 साइज में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो आप कोई भी एज ग्रुप के हैं, आप मेंस्ट्रुअल कप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। पीरियड्स में आप कोई भी तरह का पैड यूज़ करिए, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइजीन जरूर मेंटेन करिए, स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए।